बीजेपी ने तेलंगाना की हैदराबाद लोकसभा सीट से डॉक्टर माधवी लता को मैदान में उतारा है। इस सीट से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। मतलब अब माधवी लता और ओवैसी का मुकाबला होगा। ओवैसी जहां मुस्लिम चेहरा है, वहीं माधवी लता की छवि कट्टर हिंदुत्व वाले फेस की है। हैदराबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को AIMIM का गढ़ माना जाता है। यह निर्वाचन क्षेत्र 1984 से AIMIM के पास है। ओवैसी के पिता सुल्तान सलाहुद्दीन 1984 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने 20 वर्षों तक इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। उनके बेटे असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लोकसभा सांसद हैं। वो वर्तमान में इस निर्वाचन क्षेत्र से सांसद हैं। भाजपा ने ओवैसी के खिलाफ जो चेहरा उतारा है वो बिल्कुल नया है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में ओवैसी को चुनौती देना एक कठिन काम है, लेकिन माधवी लता टक्कर देने को तैयार है। माधवी लता का हैदराबाद में विरंची नाम का एक अस्पताल है, वह इस अस्पताल की चेयरपर्सन है। माधवी लता सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं और उनकी छवि हिंदू समर्थक रूप के कारण सुर्खियों में रहती हैं। एक व्यवसायी और भरतनाट्यम डांसर के अलावा वह एक NCC कैडेट भी हैं। उन्हें लगभग 6 महीने पहले टिकट का आश्वासन दिया गया था और वो कुछ समय से हैदराबाद के पुराने शहर में प्रचार कर रही हैं। उन्होंने 3 तलाक के खिलाफ भी अभियान चलाया है। माधवी लता जो अस्पताल की अध्यक्ष हैं, भरतनाट्यम नर्तकी भी हैं। वे हैदराबाद से सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं। वे ट्रस्टों और संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करती हैं। वह लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लातमा फाउंडेशन की अध्यक्ष भी हैं। माधवी लता कभी भी सक्रिय राजनेता नहीं रही, यहाँ तक कि उनके परिवार में भी दूर दूर तक किसी को राजनीति से कोई वास्ता नहीं रहा। माधवी लता 3 तलाक के उन्मूलन पर कई मुस्लिम महिलाओं समूहों के साथ सहयोग कर रही हैं और अक्सर पुराने शहर के क्षेत्रों में इस मुद्दे पर बात करने के लिए आमंत्रित की जाती हैं। माधवी लता ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक छोटा सा कोर्स भी बनाया और वह फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और संस्कृति तेलंगाना राज्य जैसे संगठनों से जुड़ी हुई हैं। वह एक गौशाला भी चलाती हैं और स्कूलों और कॉलेजों में हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर नियमित रूप से भाषण भी देती हैं। वह पिछले 2 दशकों से विश्वनाथ फाउंडेशन, लोपा मुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लथामा फाउंडेशन की ट्रस्टी भी हैं। माधवी लता ने कोटी महिला महाविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में MA किया है। हिंदू धर्म के बारे में उनके भाषण वायरल होते हैं। इससे पहले भाजपा ने सीट से भागवत राव को मैदान में उतारा था। भाजपा ने पहली बार हैदराबाद से एक महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने भागवत राव को ओवैसी के खिलाफ टिकट दिया था। उन्हें 2,35,285 वोट मिले थे। ओवैसी को 5,17,471 वोट मिले थे। भाजपा ने अपने चुनाव लड़ने की तुलना में दोगुने सीटें जीती थी। भाजपा ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। हर कोई देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में तेलंगाना में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। 2014 में जहां पर केवल 7% से 2023 के विधानसभा चुनाव में लगभग 15% तक वोट शेयर बढ़ा है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पहली बार 8 सीटें जीती और चारमीनार, कारवां, LB नगर, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, कुतबुल्लापुर और सनत नगर सहित हैदराबाद के आसपास की कई सीटों पर मुख्य विपक्ष के रूप में भी उभरी है।